अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास कराने के नाम पर मोटी धनराशि ठगने वाले एक गिरोह का आज मेरठ पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इन्होंने करीब 60-70 लाख रुपए लोगों से ठगे हैं। इनके पास से स्कॉर्पियो गाड़ी, मोबाइल व 90,000 रुपये बरामद किए गए। इन 5 लोगों में 3 सुभाष चंद, संजय कुमार और देवव्रत मथुरा के निवासी हैं, जबकि अमन कश्यप पुरानी मोहनपुरी व गौरव कुमार सुशांत सिटी मेरठ का रहने वाला है। इस बारे में बता रहे हैं CEO चक्रपाणि त्रिपाठी। ये STF की मेरठ यूनिट के द्वारा FCI में नौकरी देने के नाम पे लगभग 6 लोगों को नामजद करते हुए एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इनके कब्जे से विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक दस्तावेज और लगभग 90,000 रुपये, 7 मोबाइल और 1 स्कॉर्पियो बरामद हुई है। शेष मुलजिमों की इसमें और किनकी संलिप्तता है, इसके बारे में विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब ये चीज़ें विवेचना का विषय है कि क्या वो मतलब सुविधा शुल्क के रूप में दे रहे थे या किस रूप में ये पूरी चीज़ें इनके द्वारा वसूली गई हैं। ये उनसे विस्तृत पूछताछ के बाद जो है, जैसा प्रकाश में आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।